कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुल्तानपुर कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ये मामला अगस्त 2018 में दायर किया गया था। दिसंबर 2023 में अदालत ने गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अमेठी में रोक दिया, अदालत पहुंचे थे जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई थी। हालांकि आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाली है। जानकारी के मुताबिक बिहार की सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगी। बिहार की सारण लोकसभा सीट से प्रचार की शुरुआत करने वाली है उनकी बेटी, लालू यादव की बेटी, और कल लालू यादव मंदिर गए थे। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे से प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है। रोहिणी आचार्य का प्रचार अभियान शुरू होने वाला है, आज 2 अप्रैल है, और सारण लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगी रोहिणी आचार्य। लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य और पत्नी राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। लालू यादव अपनी बेटी और पत्नी के साथ सोनपुर के जिस मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे वो सारण लोकसभा सीट के अंदर आता है। और लालू यादव की बेटी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से ही मैदान में उतरी हैं। सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने परिवार के साथ सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ के बाद रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी ने मंदिर में दान भी दिया। इसके बाद जैसे ही लालू और उनका परिवार मंदिर से बाहर निकला, वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। लालू के परिवार ने भी अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। 3 दिन पहले सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी ने भी बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लिया था। 2024 में आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाकर सारण लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की नजरें टिक गईं। सारण लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी का दबदबा दिखा था, लेकिन उनसे टक्कर लेने के लिए इस बार आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार कर बड़ा दांव चल दिया। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी, और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई। फरवरी में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी, क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी। और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। सारण से चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली 6ठी सदस्य, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही होने जा रहा है, वो भी उस लोकसभा सीट से जहां उनके पिता लालू यादव ने कांग्रेस के दिग्गजों को करारी मात दी थी कभी। और बिहार की उसी सीट से रोहिणी आचार्य 2024 में ताल ठोक रही। तब के छपरा और अभी की सारण लोकसभा सीट पर साल 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। 1977 में इस